में आप लोगों ने स्वागत है। कल हमने सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन के जो प्रश्न है उनके बारे में ध्यान दिया था और वर्ब भी पढ़ ली थी। जो हमारे सेंटेंस चल रहे थे वो असरेटिव सेंटेंस चल रहे थे, असरेटिव सेंटेंस हमारे चल रहे थे। मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव, दूसरा जो सेंटेंस था वो नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने किए थे कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन बन सकता है, संज्ञा और प्रोनाउन बन सकता है, और प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो प्रोनाउन के हमने जो प्रश्न थे, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी को रखा, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट और दे को रखा था, उनके बारे में उनका यूज कैसे होता है, सब्जेक्टिव केस होता है तो मेन वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है तो मेन वर्ब के बाद में, उनके बारे में चर्चा की थी। नाउन हमने पढ़ लिए थे और ज्यादा इनके बारे में विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जैसे हिंदी में है वैसे हमारे इंग्लिश में नाउन यानी संज्ञा है। तो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे, इसमें सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, असर्टिव का मतलब दृढ़ता के साथ किसी बात को स्वीकार कर लिया कि जो होता है वैसा होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे नाउन और प्रोनाउन है, कोई भी बन सकता है, और नाउन और प्रोनाउन के लिए जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव वो हमारा सब्जेक्ट बन सकते हैं, उसी प्रकार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी यही बनेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उससे आगे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब स्थिति अफर्मेटिव सेंटेंस वाली ही रहेगी, और जो नॉट होता है वो हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। अब टेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो नोट की स्थिति क्या रहती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो नोट जो होता है वो हमेशा तीसरे स्थान पर रहेगा, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही बनेगा। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बस तीसरे स्थान पर हमें नोट लगाना है, यहाँ पर नोट लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस बनेंगे। कुछ ऐसी एडवर्ब होती है जिनका मतलब ही नेगेटिव होता है तो वहां पर नोट का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एक नेवर, हार्डली, ऑफन, ये कुछ एडवर्ब्स है जिनका नेगेटिव सेंस निकलता है, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, वाक्य में नोट नहीं आएगा लेकिन हिंदी अर्थ जो होगा वो नहीं से आएगा, जैसे नेवर यानी कभी नहीं, राम कभी स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया तो सर आपने कहा कि नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कभी नहीं को नेवर कहते हैं और वहां पर उस सेंटेंस को अफर्मेटिव माना जाता है। जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे उस समय उसको और समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सोहन बाजार नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले ये नेगेटिव है या नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस की पहली पहचान है कि इसमें नहीं आएगा, हिंदी में बात करें तो यहां पर नहीं आया हुआ है। उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं नहीं आता तो अफर्मेटिव हो जाता, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार होता है, बस नोट को तीसरे स्थान पर यानी हेल्पिंग वर्ब पे तुरंत बाद लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट की पहचान कौन बाजार जा रहा है, तो आंसर मिला कि सोहन बाजार जा रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट है सोहन। उसके बाद में
चाहे तो इस प्रकार से आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। रहा है, मैं ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रख रहा हूं क्योंकि हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब जैसा डिस्कस किए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रहा है लगा हुआ तो इज, आर और एम का प्रयोग होगा। हमारे यहां पर सोहन सिंगुलर है तो सोहन के साथ इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट सोहन, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई है इज, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग होगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर लगा देंगे नॉट। सोहन इज नॉट, उसके बाद में किसकी क्रिया हो रही है जाने की, तो जाने को वो कहते हैं। और कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे गोइंग। लास्ट में कहां नहीं जा रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, बाजार नहीं जा रहा है तो बाजार को मार्केट, हमारा सेंटेंस बन गया सोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जिस प्रकार कभी कभी हिंदी में भी ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जिस प्रकार हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं वाक्य, उसी प्रकार हिंदी से अंग्रेजी से हम हिंदी में भी बनाएंगे। तो जैसा अंग्रेजी में हमने वाक्य को बनाया उसी प्रकार इसको भी फॉलो करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हिंदी रद्द करूं तो सबसे पहले यहां पर लगभग सेंटेंस में, अभी हम सिंपल और असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो लगभग इन सेंटेंस में हिंदी अर्थ इसी प्रकार से हो जाता है कि सबसे पहले आप इसको हिंदी में पढ़ो सोहन, उसके बाद में पीछे से आओ बाजार, नोट वर्ब के साथ में, तो सोहन बाजार नहीं जा रहा है, इज आर एम प्लस आई एन जी यानी रहा है रही है। तो इस प्रकार से हम हिंदी अर्थ भी कर सकते हैं वाक्यों का। हम चार पांच वाक्य और करते हैं कि किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। तो एक वाक्य है वे क्रिकेट खेल चुके हैं, अभी वाक्य नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम पहले अफर्मेटिव हमने सीख लिया तो पहले अफर्मेटिव बना लेते हैं, इसमें नोट नहीं है, चुका है चुकी है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। वे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, कौन खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं, इसका मतलब खेलने का काम वे उन्होंने किया है, तो वे प्लूरल है, तो हमारे पास थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है दे उसका यहां पर यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले लिख दिया दे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चुका है चुकी है से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दे प्लूरल होता है, एस फॉर सिंगुलर तो प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग होगा। हैव उसके बाद में किसकी क्रिया हो चुकी है तो आंसर मिला खेलने की, तो खेलने को कहते हैं प्ले, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, इसलिए इसके साथ में ईडी लगा देंगे। दे हैव प्लेड, क्या खेल चुके हैं, आंसर मिला क्रिकेट, नाउन है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी सेंटेंस में हमें नेगेटिव बनाना है तो वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस तीसरे स्थान पर हम नोट लगा देंगे। अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा, नोट का, तो सेम बनेगा दे हैव, तीसरे स्थान पर पहला स्थान सब्जेक्ट का, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्थान नोट का, और सेम वाक्य प्लेड क्रिकेट। अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं, थोड़ा
टाइम लग रहा है इसमें सेंटेंस में, लेकिन हमारा जो बेसिक है वो अगर तैयार हो जाए तो हमें टेंस समझने में आसानी होगी, इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं। तो हम 5-6 वाक्य और करते हैं इसके ऊपर। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इनके कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उनकी इंग्लिश बनाते हैं। आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे गए हैं, सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में भी जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस का हम अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले लिखा उसने एक कविता लिखी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा किसने लिखी, उसने। तो यहां पर पता नहीं है कि लड़की है कि लड़का, तो हम इसको ही या सी कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद में पार्ट सिंपल टेंस है, पहले बता चुका हूं। तो पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछेंगे खुद को किसकी क्रिया हुई, तो आंसर मिला लिखने। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो है लिखना। क्या लिखी, एक कविता। ऑब्जेक्ट है यानी नाउन के रूप में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले उसने हम या तो ही लिख देंगे या सी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी पार्ट सिंपल के, तो सीधी मेन वर्ब लिखने को कहते हैं राइट। पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि रोट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे हम रोट। और लास्ट में प्रश्न पूछा वर्ब से क्या लिखी, आंसर मिला एक कविता, तो ए कविता को पॉइंट, ए पॉइंट। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है यानी कि नोट लगाना है। तो एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब भी नोट वाक्य में आएगा तो जो नोट आता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, यानी कि उस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी। जब पार्ट सिंपल का वाक्य है, अभी ये सिंपल सेंटेंस है, अब हम बोल रहे हैं कि उसने एक कविता नहीं लिखी, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नोट आ गया। जब नोट आ जाता है तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना जरूरी होता है। पार्ट सिंपल टेंस है तो पार्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ध्यान रखें केवल प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बाकी कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें जब नोट का प्रयोग होगा तो डिड का प्रयोग, डिड के साथ नोट आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले ही या सी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगानी पड़ेगी क्योंकि नहीं आया हुआ है। तो डिड तीसरे स्थान पर, नोट। आगे प्रश्न पूछा किसकी क्रिया नहीं हुई, तो लिखने की। जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब यहां राइट हो जाएगा। सी या ही डिड नॉट राइट, क्या नहीं लिखी, एक कविता, ए पॉइंट। अगला है मैंने कल एक शेर देखा, तो ये भी अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है और पार्ट सिंपल का है, अभी सिंपल सेंटेंस कहे दो या अफर्मेटिव, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो सेम उसने यानी कि हमारा जो मैंने सब्जेक्ट है मैं और मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो कल हमने प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी आई माई और मी। अभी सब्जेक्टिव केस आई होगा, तो सबसे पहले मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो आई का प्रयोग करेंगे, और अगर यही लास्ट में आता तो मी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने को इंग्लिश में कहेंगे आई, किसकी क्रिया हुई, देखने की, देखने को सी कहते हैं, सेकंड फॉर्म सा, आई सा। आगे प्रश्न पूछा वर्ब से क्या देखा, आंसर मिला ए शेर, तो ए लोयन।
आगे पर्सन पूछा कब देखा, तो आंसर मिला कल, यानी बीता हुआ है, तो यस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, मैंने कल एक शेर नहीं देखा। जब नहीं देखा तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो हमेशा डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम वाक्य से बनाएंगे, आई, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी क्योंकि सिंपल सेंटेंस था, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, नोट तीसरे स्थान पर। जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है पार्ट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहां पर सा नहीं होगा, सी, ए, लायन, यस कर। रमा गाना गा रही थी, तो रहा था, रही थी, कंटिन्यूज को शो करता है, लेकिन यहां पर थी, यानी थी पास्ट में आती है, भूतकाल में आती है, तो कंटिन्यूज के आगे लगा दिया पास्ट, तो हमारा टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यूज टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज या वर। पहले ही बता चुका हूं एस फॉर सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब डबल होती है, तो एक के पीछे हेल्पिंग वर्ब में एस आता है, एस फॉर सिंगुलर यानी एक वचन। तो हमारा गाना गाने का काम रमा कर रही थी, रमा सिंगुलर है तो रमा के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे रमा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर है रमा तो वाज। आगे प्रश्न पूछा रही थी क्या, क्या गा रही थी, सॉरी किसकी क्रिया हो रही थी, गाने की, तो गाने को कहते हैं सिंग, लेकिन कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी होता है उसमें वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहां आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग, रमा वाज सिंगिंग। अब वर्ब को पर्सन पूछा क्या गा रही थी, आंसर मिला गाना, तो यानी एक गाना, तो ए सॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, सेम ही बनेगा कि रमा गाना नहीं गा रही थी, तो नोट तीसरे स्थान पर यहां प्रयोग कर देंगे, बाकी वाक्य सेम बनेंगे। उसी प्रकार तिलोक गाने सुन रहा है, कंटिन्यू कार्य हो रहा है लेकिन हे लगा हुआ तो प्रेजेंट यानी कि इज, आर, एम, हमारा सब्जेक्ट तिलोक किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो नाम है तो ये सिंगुलर होगा, तो एस फॉर सिंगुलर इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, किसकी क्रिया हो रही है, सुनने की, सुनने को लिसन कहते हैं, कंटिन्यूज है तो आईएनजी लगा दें, लिसनिंग, क्या सुन रहा है, गाने, एक गाना है कई सारे है, नहीं तो लिखते कि तिलोक गाना सुन रहा है, गाने सुन रहा है यानी तो कई सारे सॉन्ग्स हैं तो एस लगा दें। पहले ही बता चुका हूं जब नाउन को प्लूरल में चेंज किया जाता है तो एस लगाते को बहुवचन बन जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जो रूल है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये उसके उल्टे होता है। अब इसी वाक्य का हम नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, सेम वाक्य इसी प्रकार बनेगा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कल बाजार में देखा, यहां पर दो प्रोनाउन है तो देखने का काम मैंने किया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस मैंने का आई, उसके बाद में पार्ट सिंपल टेंस है तो पार्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म सा, ये मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में जब भी प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, किसे देखा, तुम्हें यानी यू, योर, यू, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे या सब्जेक्टिव, मेन वर्ब आ चुकी है तो मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पर हम यू ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, पर्सन पूछा कहां देखा, बाजार में, तो ये जो मैं है प्रीपोजिशन
वो नाउन से पहले आता है, ये मैं देखने के लिए है या बाजार के लिए। तो नाउन हमारा बाजार है, इसका मतलब ये जो मैं है वो इस बाजार से पहले आएगा, इन द मार्केट। पर्सन पूछा कब देखा, कल, यानी यस्टरडे। नेगेटिव बनाएंगे तो पार्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाएगा, आई डिड, तीसरे स्थान पर नॉट, पर आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी यू इन द मार्केट। ये कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे जिनको हमने बनाया, समझ में आ गए होंगे। हमें इतना ध्यान रखना है कि इनमें सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी होता है। जब हम आगे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अगर आपको यहां तक किसी भी बात की कोई भी बात पूछनी है, प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जो मैंने कल आपको होमवर्क में 10 सेंटेंस दिए थे उनके बारे में, प्लस अपना जो अगला पार्ट है पॉजिटिव हेल्थ, तीसरा पार्ट गोल्डन एज में, उसकी कुछ वोकेबलरी करेंगे। हमने ऑन वायलेंस पार्ट की जो वोकेबलरी थी, जितनी 20 मीनिंग्स हमने की थी, वो आप उसको प्रॉपर याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे उन सेंटेंस की। तो ये कल आपको होमवर्क में सेंटेंस दिए थे, अब आपको मिला लो प्रोनाउन से रिलेटेड है कि सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव या फिर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, उन्होंने हमें एक उपन्यास दी, तो देने का काम उन्होंने किया था, और उन्होंने यानी कि ये प्लूरल है, जो प्लूरल हमारा जो पर्सन है थर्ड पर्सन में दे, क्योंकि हमें तो फर्स्ट पर्सन है, तो देने का काम उन्होंने किया है, तो सब्जेक्ट दे। पार्ट सिंपल टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, किसकी क्रिया हुई, देने की, तो देने को गिव कहते हैं, सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन, या सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा गेव। अब डबल ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक नाउन है एक प्रोनाउन है, हमारे पास प्रोनाउन है हमें, और एक निर्जीव चीज, एक उपन्यास जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं वो है, तो डबल ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट जब आता है एक्टिव सेंटेंस, यानी जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो, तो उस समय सबसे पहले हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करना है। लेकिन यहां पर वर्ब जो मेन वर्ब है वो आ चुकी है, मेन वर्ब के बाद में दी किसे, हमें, तो मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, यानी हमें को हमको भी कहते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहां पर आएगा दे गेव अस। अगला ऑब्जेक्ट है क्या दी, एक उपन्यास, ए नोवेल। तो पहला सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, हमने ज्यादा फोकस जो है वो प्रोनाउन के यूज पर किया था कि यहां पर अस क्यों आया, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, अगर मेन वर्ब से पहले आता तो भी होता। अगर सेंटेंस को ऐसे चेंज कर दें, हमने उन्हें एक उपन्यास दी, तो यहां पर वी पहले आ जाता मेन वर्ब से पहले, और ये दे इधर आएगा तो देम हो जाता। अगला है मेरा भाई तुम्हारे भाई को जानता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मेरा भाई यानी कि एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है, मेरा यानी माई, तुम्हारे भाई यानी योर, इसके बाद में भाई यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो जानने का काम मेरा भाई सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो किसकी क्रिया होती है, जानने की, जानने को नो बोलते हैं, के एन ओ डो, वर्ब हो गई मेन, तुम्हारे भाई को यानी योर ब्रदर। तो कल हमने चर्चा की थी कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो
मेन वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, मेन वर्ब के बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ में नाउन होता है। यहां देख लीजिए, मेन वर्ब से पहले भी पजेसिव एडजेक्टिव है माई आई का, यहां पर योर यू का, तो दोनों तरफ यूज हो रहा है लेकिन दोनों के साथ में नाउन आया हुआ है। अगला है, हमने कल एक बड़ा सांप देखा। हमने देखने का काम हमने किया था, यानी सब्जेक्ट है, वी पार्ट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सी की सेकंड फॉर्म सा। क्या देखा, वी सा हमने देखा, क्या देखा, सांप या एक बड़ा, सांप की विशेषता है कि सांप बड़ा था। तो इस प्रकार जब एडजेक्टिव आर्टिकल का यूज किया जाता है नाउन से पहले, तो उसका सूत्र होता है कि सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन यूज होता है। एक यानी ए, बड़ा यानी बिग, सांप यानी स्नेक। कब देखा, यस्टरडे। तो ये सांप की विशेषता कि सांप बड़ा था, तो इस प्रकार से इसका यूज किया गया है, वी सा ए बिग स्नेक यस्टरडे। अगला है, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था। अभी ये सेंटेंस हमने पहले ही कर लिया था, आई सा यू इन द मार्केट उसने उसे ठोकर मारी। तो उसने यानी एक है, थर्ड पर्सन है, उसने को ही या सी हम ही मान लेते हैं, ठोकर मारने का काम उसने किया, ही पार्ट सिंपल है, ठोकर मारने को किक कहते हैं, तो किक की सेकंड फॉर्म आएगी किक्ड। किसे मारी, उसे, जिसको मारी वो भी एक जना ही था, तो उसे यानी ही कहते हैं, हिज और हिम। तो यहां पर किक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में उसे आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव केस है ही का, उसका यूज करेंगे, यानी हिम, ही किक्ड हिम। अगला है, राम ने मुझे चांटा मारा। तो चांटा मारने का काम राम का है, तो सब्जेक्ट होगा राम, पार्ट सिंपल है, चांटा मारने को स्लैब, सेकंड फॉर्म स्लैब। किसे मारा, मुझे, मुझे यानी मैं, लेकिन मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, तो मेन वर्ब से पहले आता तो आई, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मी, यहां पर हो जाएगा मी। ये चीजें जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो उस समय ज्यादा काम आएगी, और सेंटेंस में भी, सेंटेंस बनाने में भी इजी रहता है। उन्होंने कल मंत्री से बात की। उन्होंने यानी एक से ज्यादा है, तो थर्ड पर्सन में दे, बात की, बात करने की क्रिया हुई सेकंड फॉर्म, तो किससे बात की, द मिनिस्टर। कब की थी, कल, यानी डॉक्टर पीके सेठी ने हमें जयपुर फुट दिया है, देने का काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव, देने का काम डॉक्टर पीके सेठी ने किया है, तो सब्जेक्ट डॉक्टर पीके सेठी, सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देने का काम पूरा हो चुका है वर्तमान के समय में, तो डॉक्टर पीके सेठी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, तो सिंगुलर है, तो एस फॉर सिंगुलर हैज। किसकी क्रिया हुई, देने की, तो गिव,
लेकिन परफेक्ट कोई सा भी टेंस होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव गेव गिवन, तो यहां पर गिवन। डॉक्टर पीके सेठी हैज गिवन, क्या दिया? जयपुर फुट। किसे दिया? हमें। तो डबल ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट है तो पहले जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हमें, मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, हमको वी कहते हैं, लेकिन मेन वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो वी अवर अस, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। क्या दिया? जयपुर फुट। अगला है, गीता ने अपना पार्ट याद कर लिया है। याद करने का काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में, यानी कि काम चुका है, चुकी है, हर वाक्य में इस प्रकार चुका है चुकी है लगे ऐसा नहीं है, यहां पर कर लिया है यानी काम पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण है, प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले गीता ने, गीता, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, सिंगुलर है हैज। लर्न, लर्न यानी किसकी क्रिया हुई? याद करने की, याद करने को कहते हैं लर्न। प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म, लर्न थर्ड फॉर्म हो गई लर्न। क्या याद कर लिया? पार्ट या अपना, अपना पार्ट, यानी कि ये नाउन है, नाउन के साथ अपना, तो ये अपना जो है गीता के लिए है, और गीता है लड़की, लड़की के लिए हम लगाते हैं सी। अब ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव किसी साइड भी आ सकता है, साथ में नाउन है तो पार्ट नाउन है, तो इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, और इसके साथ में नाउन लगा देंगे हर, और क्या है नाउन? हर लेसन, अपना पार्ट। अगला सेंटेंस है, वे कल तुम्हारे घर आएंगे, यानी वे प्लूरल है, दे आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं। अभी हम गाग लेगी को याद रखें तो ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है, वो आजकल आई और वी के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी और भी और जो सब्जेक्ट होते हैं या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी विल किसकी क्रिया होगी? आने की। कहां आएंगे? घर है, घर की विशेषता है वो तुम्हारा है, यानी कि नाउन के साथ में जो एडजेक्टिव है यानी पजेसिव एडजेक्टिव, यानी विल कम टू योर हाउस या होम। ये कल हमने आपको सेंटेंस दिए थे, अपने ये सेंटेंस मिला लीजिएगा कि सही है या गलत है, और आप अभी जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आप अपना जो होमवर्क है वो एक नोटबुक, सिंगल नोटबुक डाल लीजिए, उसमें करते रहिएगा, बाद में हम जब ऑफलाइन क्लासेस होगी उस समय अलग से वापस विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, उस समय अलग कर लेंगे। अभी हम वोकेबलरी करेंगे, अगला पार्ट पॉजिटिव हेल्थ है, ऑन वायलेंस जो पार्ट है उसके हम 20 मीनिंग्स कर चुके हैं, वो पार्ट पूरा हो चुका है, अब पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जो पार्ट है उस पार्ट के कुछ मीनिंग्स कर। ये आपके पॉजिटिव हेल्थ तीसरा जो पार्ट है उस चैप्टर की 10 मीनिंग है, संपूर्ण स्वास्थ्य कि किस प्रकार हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस से उनमें पॉजिटिव हेल्थ के बारे में कौन सा नेशन किस चीज में आगे है, क्योंकि हेल्थ को मेंटल और फिजिकल रूप से डिवाइड किया गया है, कौन कहां पर आगे है, किस प्रकार हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम विकासशील राष्ट्र चुके हैं तो हमें किस प्रकार पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में ये पार्ट है, उसकी कुछ मीनिंग है,
पहला है हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब होता है कि हम अपने जो रिश्ते हैं उनमें किस प्रकार तालमेल बनाकर रख सकते हैं। हार्मोनियस में हम हार्मोनियम याद कर सकते हैं। हार्मोनियम जब तक नहीं बजेगा जब तक हम उसमें उसके जो कीज हैं उनमें हम तालमेल नहीं बिठा सकते, तो हार्मोनियस का मतलब तालमेल बनाकर रखना किसी के साथ, दूसरे के साथ अपना रिश्ता किस प्रकार हम तालमेल बनाकर रख सकते हैं। दूसरा है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब आपस में जो क्रियाएं होती है उसके बारे में। अगला है रिस्ट्रिकेटेड। रिस्ट्रिकेटेड का मतलब होता है सीमित, एक बाधित, जो एक जगह हम बाध्य कर सके उसको एक जगह रोक सके, यानी सीमित या फिर बाधित। यानी अपन बात करें तो कोरोना चल रहा है, हमें अपने आप को सीमित करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम ठीक रहेंगे। तो रेस्ट ही ठीक ऐसा कर सकते हैं, अगर अपने आप को सीमित घरों में रखेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अगला है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान होना, हर जगह जो हम विद्यमान, जैसे भगवान का या किसी अन्य चीज जो हर जगह विद्यमान होती है उसको एग्जिस्ट बोला जाता है। इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से हम वंचित रह जाते हैं, जैसे कि क्लासेस स्टार्ट हुई उससे पहले ल्यूड से हम याद कर सकते हैं लूडो। अब जब से क्लास स्टार्ट हो गई है हम लूडो, जो लूडो गेम है उससे हम वंचित हो गए, हमारा जो फोकस है वो केवल पढ़ाई पर है इसलिए। अगला है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब जो मेजर बात करें, मेजर यानी हर जगह जो विद्यमान मुख्य रूप से होता है, यानी विद्यमान होना। रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, हमारे पास डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के पास कौन कौन से संसाधन है, उन संसाधनों का हम रिसोर्सेज का हम कैसे यूज करें उसके बाद बारे में। सोर्स। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति के रूप में इंडिविजुअल का यूज किया जाता है। अगला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टीके लगाए जाते हैं प्रत्येक राष्ट्र में कुछ बीमारियों से बचने के लिए। और अगला है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यूनिटी पावर, अभी कहा जाता है जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो कोरोना से ठीक हो सकता है, तो इम्यूनिटी याद कर सकते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है उसको इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। तो आज ये मीनिंग्स थी, इनको याद करना और अपनी नोटबुक में लिखना है। आज के लिए धन्यवाद।